हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। फर्स्ट वन इज जेंथोफिल्स, सेकंड वन इज क्लोरोफिल्स, थर्ड वन इज कैरोटीनॉइड्स एंड लास्ट वन इज एंथोसाइनिंस। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है क्या कि व्हाट आर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स, यानी कि प्लांट सेल वैक्यूल्स में कौन सा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, की कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो वैक्यूल क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। वैक्यूल जो होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड, क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, साइटो प्लाज्म में जो है ये पाया जाता है। अब वैक्यूल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स में हो सकते हैं, फंजाई में हो सकते हैं, या कह सकते हैं फंजाई के सेल्स में हो सकते हैं, प्रोटिस्ट्स में हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, जो प्रोटिस्ट्स होते हैं कहाँ होते हैं, जो प्रोटिस्ट होते हैं एनिमल होते हैं उनमें ये देखा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट वो क्या होगा, उससे पहले हम जानेंगे कि जो प्लांट सेल होता है उसके जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं 90% वॉल्यूम, 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। और ये जो है बाउंडेड बाय सिंगल, ये क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, साथ ही साथ सेमी परमिएबल होते हैं, क्या हो सकते हैं, सेमी परमिएबल हो सकते हैं। और इसी को कहा जाता है टोनोप्लास्ट, इसी को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। अब ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस और कोई भी अगर अदर मटेरियल है वो भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा जो है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंथोसाइनिन, क्या होगा, एंथोसाइनिन जो होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है जो कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल वैक्यूल में। तो ये कहाँ होगा, प्लांट सेल जो है वैक्यूल में होगा, प्लांट सेल जो है वैक्यूल में पाया जाता है। उसके बाद जो ये वैक्यूल होते हैं वो अपीयर होते हैं डिफरेंट कलर, जैसे कि क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, और क्या हो सकता है, पर्पल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला ऑप्शन दे रखा है जेंथोफिल्स, तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि जेंथोफिल्स क्या होते हैं, येलो पिगमेंट होते हैं। और ए ऑप्शन में अगर हम बात करें, ये जेंथोफिल क्या होते हैं, येलो होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं, ये प्लांट्स ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज किया जाता है, और फोटोसिंथेसिस में जो है ये यूज किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा दे रखा है कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जो होती हैं ये भी एक पिगमेंट है और रिस्पॉन्सिबल होता है ये किसके लिए, रेड येलो एंड ऑरेंज कलर इन मेनी फ्रूट्स या कह सकते हैं वेजिटेबल्स में, कलर्स के लिए वेजिटेबल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेड हो सकता है, येलो हो सकता है एंड साथ ही साथ ऑरेंज भी हो सकता है, ऑरेंज। तो ये ऑप्शन भी यहाँ गलत होगा, लास्ट दे रखा है एंथोसाइनिन जो यहाँ पे क्या होगा सही, क्योंकि एंथोसाइनिन क्या है, एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है जो पाया जाता है कहाँ पे, प्लांट सेल वैक्यूल्स में। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।